तो प्रीव्यू में जिस तरह आप सब ने पुरुलिया ओल्ड सॉन्ग का न्यू तरीके का स्टेटस वीडियो को देखा, इस वीडियो का अगर आप सब बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। तो इसको बनाने के लिए पहले वीडियो को बिना स्किप करके लास्ट तक देखते रहे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो पहले लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा, उसके बाद प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दो लिंक मिल जाएगा, बिटमार्क सॉन्ग और शाक इफेक्ट। तो बिटमार्क सॉन्ग प्रोजेक्ट पर क्लिक कर रहिएगा तो देख सकते हो इधर सॉन्ग ऐड किया हुआ है। तो इधर फोटो ऐड करेंगे तो उसके लिए बैक में आना है और जो सर्किट प्रोजेक्ट है तो उसमें क्लिक करना है। तो उसमें पहले देख सकते हो एक ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो इसको इधर से कॉपी कर लीजिएगा। तो कॉपी कर लेने के बाद इधर बीट मार्क सॉन्ग प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और 0.3 सेकेंड का जो बीट है इधर आके इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद अगला बीट पर जाना है, फिर से पेस्ट करना है, फिर से अगला बीट पर जाके इसको बाकी का है जो उसको काट कर देना है, फिर से पेस्ट कर देना है। तो ऐसे करके हर बीट पर इसको पेस्ट करना है और जो बाकी का है उसको काट कर देना है। ऐसे करके फिर से पेस्ट करना है, फिर से अगला बीट पर जाना है, इधर क्लिक करके इसको काट कर देना है। तो ऐसे करके लास्ट तक पहले आप सब इस ग्रुप को पेस्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं भी कर लेता हूँ। तो देख सकते हो लास्ट तक ये ग्रुप को पेस्ट कर दिए हैं। तो अभी फोटो ऐड करेंगे तो उसके लिए पहले चले आएंगे, जो पहले ग्रुप है तो उसमें क्लिक करेंगे, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है और ये जो एक फ़ोटो ऐड किया हुआ है तो इसको डिलीट कर देना है और आप लोग फोटो ऐड कर लीजिएगा। तो फोटो को ऐड कर लेना है, उसके बाद इसको पकड़ के सबसे नीचे कर लेना है और इसको खींच के लास्ट तक कर लेना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको ठीक से इधर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा आप सब। उसके बाद बैक में आना है, तो देख सकते हो फोटो ऐड हो चुका है। अगला बिट पर जाना है और इसका वही फ़ोटो को चेंज कर लेना है। तो ऐसे सेम तरीके से फ़ोटो को चेंज कर लीजिएगा, ये जो फ़ोटो ऐड किया हुआ है तो इसको डिलीट कर दीजिएगा और एक अपने हिसाब से फ़ोटो ऐड कर लीजिएगा आप सब। उसके बाद पकड़ के इसको नीचे कर लेना है, खींच के लास्ट तक कर लेना है, इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको जूम करके छोटा कर लेना है। उसके बाद ठीक से एडजस्ट कर लेना है और फिर बैक चले आना है। तो फिर देख सकते हो इधर भी फोटो ऐड हो चुका है। तो ऐसे करके आप सब लास्ट तक फ़ोटो को ऐड कर लीजिएगा। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ग्रुप पर क्लिक कीजिएगा, एडिट ग्रुप पर क्लिक करके जो फ़ोटो ऐड किया हुआ है तो उसको डिलीट कर दीजिएगा, प्लस पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करके एक फ़ोटो ले लीजिएगा, उसको पकड़ के सबसे नीचे कर ले लीजिएगा, उसके बाद खींच के लास्ट तक और इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको ठीक से इधर एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद बैक में चले आएगा तो फिर देख सकते हो इधर है जो फ़ोटो ऐड हो चुका है। तो ऐसे करके लास्ट तक आप सब फ़ोटो को ऐड कर लीजिएगा। तो लास्ट तक फ़ोटो को ऐड कर लेने के बाद अभी इधर लिरिक्स ऐड करना होगा, तो उसके लिए बैक में आना है और जो सेकीबैक प्रोजेक्ट है तो उसमें क्लिक कीजिएगा। तो उसमें थोड़ा सा इधर आ जाएगा, देख सकते हो लिरिक्स ऐड करके रख दिए हैं। तो ये एक ग्रुप बना के तो इस ग्रुप को क्लिक कीजिएगा, इधर क्लिक करके कॉपी लेयर कर दीजिएगा। उसके बाद बैक में आना है, बिट मार्क्स सॉन्ग प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर जो 0.12 सेकंड का जो बीट है इधर आके इसको पेस्ट कर देना है। तो फिर देख सकते हो रिलिक्स है जो ऐड हो जाएगा। तो इस रिलिक्स पर मैंने तो पहले से फ्रंट ऐड करके रख दिए हैं, तो आप सब फ्रंट को ऐड कर लीजिएगा। तो उसके लिए चाहे तो इधर क्लिक करके एडिट ग्रुप कर सकते हो, नहीं तो ग्रुप पे क्लिक करके थियेट पे क्लिक करके अनग्रुप कर लीजिएगा। तो अनग्रुप कर लेने से इसमें फ्रंट ऐड करने में आसान होगा। तो उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करके जो भी फ्रंट है तो उसको ऐड कर लीजिएगा। और ये फ्रंट मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पर, और जितने भी फ़ोटो ऐड किया है सब फ़ोटो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो उधर से आप सब इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा।
फ्रंट को ऐड कर लीजिएगा आप सब। तो फ्रंट को ऐड कर लेने के बाद इधर एक बॉर्डर ऐड करना है, तो पहले चले आना है और ये बॉर्डर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पर, तो उधर से आप सब इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उसको ऐड करने के लिए प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करके जिस फाइल पे है तो उस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिएगा और बॉर्डर को ऐड करना है। थर्ड पे क्लिक करके स्ट्रेट टू कंपोजिशन एरिया में कर लेना है, उसके बाद इसको खींच के लास्ट तक कर लेना है। तो फिर देख सकते हो आप सबका वीडियो है जो बन के तैयार हो जाएगा। तो अब इसको सेव करना है, तो सेव करने से पहले ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो अभी इस वीडियो को सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए इधर क्लिक करना है, और अगर वीडियो में सिलेक्ट नहीं है तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्वालिटी में कोई भी दिक्कत आए तो क्वालिटी कम कर सकते हो। उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, तो फिर एक सेव ऑप्शन आएगा, तो सेव ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो फिर सेव हो जाएगा। तो ऐसे करके आप सब सेव कर लीजिएगा।